डिजी लॉकर एक सरकारी डिजिटल लॉकर है। इसमें आप सभी डॉक्यूमेंट को इशू कर सकते हैं और इशू डॉक्यूमेंट में रखा हुआ वो ओरिजिनल के बराबर ही माना जाता है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आरसी नहीं है, तो वहाँ पे अगर पुलिस आपको पकड़ लेता है तो आप डिजी लॉकर में से उसको निकाल के दिखा सकते हैं, तो वो वहाँ पे आपको चालान नहीं काटेगा और आपको जाना देगा, क्योंकि डिजी लॉकर में रखा हुआ और इसी डॉक्यूमेंट में रखा हुआ ओरिजिनल के बराबर ही माना जाता है। सुभाष, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। सोगाज, इसी तरीके से आप अपना डिजी लॉकर में इशू डॉक्यूमेंट में अपना पैन कार्ड आधार कार्ड रखते हैं, कहीं भी आपको इसको दिखाने का आता है तो आप उसको दिखा सकते हैं, ये ओरिजिनल के बराबर ही होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप डिजी लॉकर का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन होते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर गेट स्टार पर क्लिक करके इसको ओके करेंगे। आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आता है। अब यहाँ पर अगर आप पहले से इस पर अकाउंट बना रखे हैं तो साइन इन कर लेंगे। अगर आप इस पर नए हैं तो क्रिएट अकाउंट पर जाके यहाँ से अपना अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर अपना फुल नाम डालेंगे जो आधार कार्ड पे हो, तो वो आपको नाम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डेट मंथ और ईयर चूज कर लेना है जो आधार कार्ड पर हो। यहाँ मेल या फीमेल वो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, एक पिन सेट कर लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे और आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। या अगर आप पहले से इस पे अकाउंट बना रखे हैं तो सिंपली साइन इन करेंगे। यहाँ अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन डालेंगे। अगर आप पिन भूल चुके हैं तो सिंपली फॉरगेट पिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट मंथ और ईयर डालेंगे। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डाल के यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही अब यहाँ पे आपको एक पिन सेट कर लेना है। जो भी आप पिन रखना चाहते हो वो पिन यहाँ पे आपको सेट करके यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही देखिए यहाँ पे आपका पिन यहाँ पे सेट हो चुका है। अब जैसे कि आप पिन सेट कर चुके हैं तो यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन डालेंगे और यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। साइन इन करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डाल के यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आप डिजी लॉकर में इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। होने के बाद यहाँ से आप इशू डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आप वही डॉक्यूमेंट रखेंगे जो आपको वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहले यहाँ पे दो है और ऑलरेडी मैं यहाँ पे है, तो मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड है। तो ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे ओरिजिनल के बराबर होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ जो इसी डॉक्यूमेंट में रहेगा वो ओरिजिनल के बराबर आपको यहाँ पर रहेगा। इशू डॉक्यूमेंट में रखने के लिए यहाँ ब्रांच पर जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी अथॉरिटी को यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मिनी, इस तरीके से जैसे यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट अथॉरिटी का जितना है वो सारे का सारा आ चुका है और इसमें से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे मैं डालूँगा CBSE। यहाँ पर देखिए आ गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप कुछ भी डॉक्यूमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट 20 में आप डाल सकते हैं। यहाँ पासिंग ईयर डालेंगे जो कब पास किए थे, इसके बाद रोल नंबर डाल के यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ डॉक्यूमेंट जो है ऐड हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए और भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बैक आता हूँ, बैक आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ढेर सारा जो भी ऑप्शन है वह सारे के सारे यहाँ पर आप उसको जो है इस डॉक्यूमेंट में आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे आपका यहाँ पे हो गया HSC मार्कशीट हो गया, यहाँ पे SSC मार्कशीट हो गया। राशन कार्ड अगर रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए ढेर सारा आ चुका है राशन कार्ड का ऑप्शन। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फूड यानी इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आपको अगर उससे लिंक रहेगा आपका आधार कार्ड से तो वो ऑलरेडी इसके नीचे आ जाएगा। सो इशू डॉक्यूमेंट में आपको ओरिजिनल माने जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिजी लॉकर इशू डॉक्यूमेंट RA पर विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट S पर एक्ट
पर आईटी एक्ट। सो इस तरीके से आपको इसी डॉक्यूमेंट में जो भी रहेगा वो ओरिजिनल के बराबर होगा। आप जो कहीं जाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी भूल जाते हैं तो आपको जो है पुलिस चालान काट देता है, तो आप यहां से दिखा देंगे तो आपका चालान नहीं कटेगा। सो इस तरीके से यहां पर जाएंगे 3 डॉट पे और यहां पे देखें ढेर सारा ऑप्शन है। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये जो देखिए मैं पहले से यहाँ पे एक कर रखा तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखेंगे वो आपके रिकॉर्ड के लिए रहेगा, आपके यूज के लिए रहेगा। ये जो है अपलोड डॉक्यूमेंट ये आपके लिए है, यहाँ पे ये ओरिजिनल नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने जो है रिकॉर्ड के लिए रखेंगे। और यहाँ भी देखिए लिखा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट सेल नोट बी ट्रेडेड एट पर विथ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बोला जा रहा है कि जो है ये स्कैन करके जो अपलोड करके रखिएगा वो आपके रिकॉर्ड के लिए है, आपके यूज के लिए है, ना कि ये ओरिजिनल है। आपको ओरिजिनल तब होगा यहाँ पे जो इसी डॉक्यूमेंट में रहेगा वो ओरिजिनल होगा। यहाँ पे जो है देखिए पढ़ लीजिए, डिजी लॉकर इशू डॉक्यूमेंट आर एक्ट पर विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एस पर आईटी एक्ट। इस तरीके से यहाँ पे जो भी रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा। इस पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इसको व्यू करके आप देख भी सकते हैं, इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका ये आधार कार्ड आपको शो नहीं हो रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस तरीके से यूजर इंटरफेस आएगा। अब आपके जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, जैसे देखिए मेरे केस में आ चुका है। मैं यहाँ पर ओटीपी डालूंगा, इस तरीके से ओटीपी डाल के अब मैं इसको ओके करूँगा। यहाँ ओटीपी डालते ही देखिए कि उसी इस तरीके से आपके सामने में नज़र आता है। अब यहाँ व्यू पर क्लिक करके इसको आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ व्यू पर क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। सो यहाँ पर आप बहुत ही ईजिली जो है अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के इसको ओके कीजिएगा तो ये आपको यहाँ पर शो कर देगा। सो गाइस इसी डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो पूरी तरह से वैलिड है। इसी तरीके से अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में अपलोडिंग का, इस पर यहाँ अपलोड वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी कैमरा से क्लिक किए रहिएगा वो DCIM में आ जाएगा। तो आपको इसमें से जो है फाइल को चूज कर लेना है। जैसे मैं पहले से यहाँ पर कर रखा हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा ढेर सारा स्क्रीनशॉट वाला है, तो मैं यहाँ पर इसको रख रखा हूँ। तो मैं आपको अपलोड करना है तो जो भी आपको अपलोड करना है उस पर इस तरीके सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कि आपका अपलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपका फाइल ये एड हो जाएगा। सो यहाँ देखिए मेरा ये फाइल आ चुका है, यहाँ पे इस पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इसको आप देखिए शेयर लिंक कर सकते हैं, ओपन विथ करके इसको देख सकते हैं, इसका कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ अपना राजा, तो इस तरीके से आपको कोई भी नाम डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, PDF या कोई भी फाइल का नाम डाल सकते हैं। मैं ओके करूँगा, यहाँ पर जो है ये फाइल का नाम जो मेरा यहाँ पर एड होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आ चुका है, इस पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर आप लोड डॉक्यूमेंट में अपना कोई भी जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट इसको अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके अपने रिकॉर्ड के लिए। बट ये आपको ओरिजिनल नहीं माना जाएगा, ये बल्कि आपके रिकॉर्ड के लिए होता है। आपको इसी डॉक्यूमेंट में जो रहेगा इसमें ये ओरिजिनल होता है और इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कहीं जाते हैं आप तो आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस या RC लेके जाना पड़ता है, नहीं तो आपको पुलिस चालान काट देता है। तो इस स्थिति में अगर आप भूल जाते हैं, आपको घर पर रह जाता है, तो यहाँ से आप बहुत ही ईजिली उसको दिखा सकते हैं और ये पूरी तरह से वैलिड है ऑल इंडिया में। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में आपने डिजी लॉकर का यूज करना जाना। आप डिजी लॉकर में ऐसी डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट रखते हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या RC, तो वो पूरी तरह से वैलिड है और ये वो ओरिजिनल की तरह ही है। आप कहीं जाते हैं, अगर आपको पुलिस वहाँ रोकती है तो आप इसमें से निकाल के उसको दिखा सकते हैं, उसको आपको वैलिड है, आपका चालान भी नहीं कटेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।